रमजान पर नहीं चलेंगे लाउडस्पीकर। सऊदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, लेकिन क्यों भड़के भारत के धर्मगुरु। रमजान का पाक महीना 22 मार्च से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले सऊदी सरकार ने इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के बैन करना भी शामिल है। वहीं अब सरकार के इस फैसले के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों के धर्मगुरुओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अब सऊदी में मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर पूरी तरह से बैन रहेगा और अजान का लाइव प्रसारण भी नहीं होगा, जिसके बाद अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी इस पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि रजवी बरेलवी ने सऊदी सरकार के फैसले को नाजायज ठहराते हुए कहा कि जहां लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है उसे नहीं रोकना चाहिए, और जहां लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है वहां उसकी जरूरत नहीं है। मौलाना रिजवी ने भारत का उदाहरण देते हुए कहा कि आजादी के बाद से ही यहां लाउडस्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हिंदुस्तान में कुछ दिन पहले हाईकोर्ट के ऑर्डर पर लाउडस्पीकर की आवाज धीरे की गई थी, लेकिन रोक नहीं लगाई गई। सऊदी हुकूमत के फैसले से सारी दुनिया को मायूसियत हुई है, उनसे अनुरोध है कि वो अपना फैसला वापस लें। दरअसल रमजान के मद्देनजर सऊदी अरब की सरकार ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल अलशेख ने 10 सूत्री लिस्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि नमाज के दौरान मस्जिदों में लाउडस्पीकर बैन रहेगा और फोटोग्राफी नहीं होगी। इसी के साथ कहा गया है कि मस्जिदों में इफ्तार भी नहीं की जाएगी। इफ्तार के लिए चंदा इकट्ठा करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही सऊदी सरकार ने नए निर्देशों में बच्चों को लेकर भी गाइडलाइंस जारी की हैं। अब रमजान के वक्त बच्चों को मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाएगा। सरकार ने लोगों से कहा है कि वो अपने बच्चों को मस्जिद लेकर न आएं। सरकार ने कहा है कि बच्चे मस्जिद में लोगों को परेशान करते हैं और इससे लोगों की इबादत में खलल पड़ता है। गौर हो कि भारत में रमजान का महीना कब शुरू होगा इस बात को लेकर हर साल थोड़ी भ्रम की स्थिति रहती है। दरअसल इस्लामिक महीने की शुरुआत चांद देखने से होती है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक रजब 7वां महीना और शाबान 8वां महीना होता है, और इसके बाद नवा महीना रमजान कहलाता है। शाबान कभी 28, कभी 29 तो कभी 30 दिन का भी होता है। अगर शाबान का महीना 29 दिन का है तो रमजान 23 मार्च 2023 से शुरू होगा, यानी अगर भारत में 22 मार्च को चांद दिखाई देता है तो 23 मार्च से रमजान मास की शुरुआत मानी जाएगी। अगर 22 मार्च को चांद नहीं दिखा तो 30 दिनों के महीने देखते हुए रमजान मास 24 से शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।